मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनी रोल। उसके लिए मैंने छोटी मैक्रोनी ले ली है, इसको बॉईल कर लिया है। ये आलू ले लिए थे और आलू को बॉईल करके इसको मैश कर लिया है इस तरह से, इसकी मदद से। और अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस इसके हिसाब से डालनी है। और इसमें मैक्रोनी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से बना लें कम या ज़्यादा। मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ और आप लोग वैसे ही फ्रोज़न आइटम के तौर पे भी इसको बना कर रख सकते हैं, जब कोई मेहमान वगैरह आए तो इजीली आप लोग निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल है ये। इसको हम करेंगे बाद में मिक्स, पहले मैं इसके अंदर डाल दूँ। ये आ गया ब्लैक पेपर पाउडर, बच्चों की वजह से ना ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल सकती, कम डालनी है। और ये आ गया इसमें नमक, नमक ना चिकन बॉईल करते हुए भी डाला था और मैक्रोनी में भी डाला था मैंने। और ये आ गया थोड़ा सा चिकन पाउडर, इससे ना चिकन पाउडर से टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। और इसको बाइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम मायोनीज और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। मायोनीज और चीज़ डाल दिए, अब इसमें डालूंगी मैं ऑरिगानो, थोड़े ही डालने। और ये आ गया थोड़ा सा थाइम, टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत मज़े का होता है। तो अभी इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे तरीके से। अच्छे से मिक्स हो गया है, स्पून से हो रहा नहीं था तो मैंने अपने हाथों का यूज़ किया है। अब इसके ना इस तरह से पतले पतले रोल बना लेती हूँ और फिर मैं दिखा। रोल साले बन चुके हैं और अभी रोल को इस तरह से एग में करके ब्रेड क्रम्स में करेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक, देखें इस तरह से ये हो गया है। मेरे पास दो तरह की ब्रेड क्रम्स हैं, एक तो ये वाइट वाले हैं और एक ये वाले हैं कलर वाले, आप कोई से भी ले सकते हैं। कुछ मैं इससे बनाऊंगी, मतलब ये वाले नहीं, एक और रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज बहुत सारी रेसिपीज शेयर करनी है तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है मेरी, ये मेरी 3-4 दिनों की मेहनत है जो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। इस तरह करके सारे बना लेने, और बनाने के बाद इनको सेपरेट रख के फ्रीज करेंगे। उसके बाद 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो किसी भी एयरटाइट बॉक्स में या किसी भी बैग में, जिप लॉक बैग में आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। इनको 10-15 दिन तक फ्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें आलू डला है और आलू और मैक्रोनी तो फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए बस इसको इतना ही करेंगे। अब चलते हैं, इसको कर लेती हूँ, इसके बाद चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये देखें ये रेडी हो गए और बस इनको अब फ्रीज कर दूँगी एज इट इज़। और फिर 2-3 घंटे बाद निकाल के इनको सेपरेट किसी भी शॉपर में, किसी में भी, मैंने आपको जैसा बताया उस तरह करके आप लोग 10-15 दिन तक रख सकते हैं और खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए जी, ये आ गया है हमारा शामी कबाब का मिक्सचर और ये मैंने बना के इसको पीस के रख लिया था। एक आध दाल ले गई क्योंकि इसको मैंने हाथ से पीसा है ताकि इसमें रेशा अच्छा आए। ये देखें इसका रेशा कितना प्यारा आया है। तो नेक्स्ट रेसिपी हमारी ये है, और दाल तो वैसे ही ये टूट जाएगी जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो खुद टूट जाएगी। अच्छा, जो पहले मैंने रेसिपी में एग यूज़ किया था रोल में, तो वो एग मैं पूरा इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, अब इसमें आ जाएगी प्याज, हरा धनिया और पुदीना, ये डालना है, और हरी मिर्च डलेंगी। ये हरी मिर्ची भी डल गई हैं, अब इसको मिक्स करना है सिर्फ और कबाब बना के फ्रीज कर देंगे। मैं बना रही हूँ, हमारी नेक्स्ट रेसिपी है, ये ब्रेड पेटीज हैं। और ब्रेड पेटीज के लिए फिलिंग के लिए इसका हम बनाएंगे, तो चलें जी फिलिंग स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इसमें डाल लेती हूँ ऑयल। बस ऑयल थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। 2 टेबल स्पून जितना इसमें हमें चाहिए होगा ऑयल। और इसके अंदर डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये गर्म हो रहा है, मैंने कढ़ाई गर्म रखी हुई थी, तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 टेबल स्पून इसमें मैदा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 टेबल स्पून। अब कलर आने तक भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना इसको। हल्का हल्का कलर चेंज हो गया ना इसका, इसमें डाल देते हैं दूध। इसमें ऑयल थोड़ा सा, सॉरी, दूध थोड़ा कम था, तो मैंने 1 कप में थोड़ा कम इसमें दूध मिक्स किया है। और अभी ये ठीक सा पेस्ट बन गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। ये आ गया ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर टेस्ट के लिए। नमक कम डालेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है। और ये आ गए थोड़े से हमारे मिक्स हर्ब, बच्चों को पसंद है इसलिए मैं डाल लेती हूँ मिक्स हर्ब। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसमें आ गए मैश किए हुए 2 आलू, साथ ही ये सब्ज़ी डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 कप मायनीस भी डाल दिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कलर बहुत प्यारा है इसका, शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, क्लिप्स काट काट के, ताकि आप लोगों तक पूरी रेसिपी पहुँच सके। और ये मेरे मिट्टू को खुशबू जा रही है मज़े मज़े की, तो वो भी शॉर्ट कर रहा है, उसको भी खाना है ये सब। इसको ये हो गया है तैयार, अब इसको सिर्फ ठंडा कर लेंगे, साइड पे रख देंगे जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। जब तक वो स्टफिंग ठंडी हो रही है, हम दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। मैं बना रही हूँ चिकन वेज कटलेट्स। तो इसके लिए मैंने आलू मैश करके रखे हुए हैं, और इसमें मिक्स कर देंगे हम वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज। डलती है तो ज़ुबान पर चढ़ी हुई, लेकिन हरी प्याज नहीं डलेगी, और इसमें डलेगी मैश की ही चिकन, थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी डलेगी। तो अब इसके बना लेते हैं, नहीं इसमें मसाले भी तो डालेंगे, कैसे बना लेते हैं। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर मस्ट, बच्चे पसंद करते हैं फ्लेवर। और ये आ गया इसमें नमक, वहाँ बच्चे पीछे खेल रहे हैं और वो टिक्का बोटी बनाने की बातें कर रहे हैं। तो ये सब हो गया है, अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। ये मिक्स हो गया अच्छे से, और अब इसके बना लेते हैं कबाब कटलेट्स। अच्छा, इसकी कबाब जो मैंने कटलेट्स बनाए उसकी, और ये ब्रेड के मैं पॉकेट्स बना रही हूँ, ब्रेड पॉकेट्स, इसकी जो कोडिंग होगी उसके लिए, कोडिंग के लिए मैं बनाऊँगी ये मैदे का घोल बनाऊँगी। इसमें मैदे के अंदर सिर्फ नमक है, और इसमें पानी डालेंगे, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर डाला है मैंने इसमें, उसको मिक्स कर लिया है। और इसमें पानी डाल के इसको पतला सा बैटर बना लेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स में इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। तो मैं करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये देखिए हमारे कटलेट्स रेडी हैं, बस इसको अब ब्रेड क्रम्स में कोट करके रखेंगे। कटलेट्स रेडी हो गए फाइनली, ये ख़त्म हो गया था तो मैंने वाइट कोटिंग कर दी है, इस लीजिए बॉक्स पैटीज रेडी हैं। इस तरह से फिलिंग अंदर डाल के इसको कर दिया कवर, अब इसको कोडिंग करेंगे इसमें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर। मज़ेदार से ब्रेड पॉकेट्स रेडी हैं,
और आज का जो है मेरी ये रेसिपीज़ काफ़ी सारी हो गई हैं, और ये कोई एक दिन की रेसिपी नहीं है, ये 2-3 दिन की मेहनत है जो मैं कर रही हूँ। और अभी आप लोगों को इंशाल्लाह ये जो लेफ्ट ओवर ये बचा है इसके अंदर मैक्रोनी मिक्स करके इसके बनाएंगे हम बॉक्स पॉट पैटीज, जो कि ब्रेड के नहीं होंगे, वो होंगे किसके होंगे, समोसा पट्टी जो होती है ना उसके, समोसा पट्टी के बनाएंगे इंशाल्लाह। तो वेट करें।